नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए हम नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ रेप, यूपी के जनपद शाहजहांपुर से बड़ी खबर। आपको बताते चलें, थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात हुई है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही युवक द्वारा मंगलवार रात पड़ोस के घर में सो रही बुजुर्ग 70 वर्षीय महिला से दुराचार किया गया। महिला की चीखने चिल्लाने पर परिजन जाग गए। तब तक आरोपी मौका देख कर फरार हो चुका था। पीड़ित महिला को आनन फानन में जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ महिला का इलाज चल रहा है। इस मामले में पीड़िता के पौत्र द्वारा नामजद मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया। पुलिस ने नामजद आरोपी रजनीश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर संजय कुमार और परिजन पीड़ित का पौत्र। कैसे कैसे क्या हुआ, हम आपको विस्तार से सुनाते हैं शर्मसार कहानी। शाहजहांपुर से मुकेश सक्सेना के साथ आरएस शर्मा की रिपोर्ट। दादी का क्या नाम था और किस लड़के ने उनके साथ बलात्कार किया? घंटा देवी। पूरी बात बताइए। मेरी दादी का नाम घंटा देवी, पत्नी रामाश्रय, और जिस लड़के ने बलात्कार किया उसका नाम रजनेश सनाप रामनाथ, ग्राम गौंटिया बानगांव, थाना मिर्जापुर शाहजहांपुर का रहने वाला है। आपकी दादी की उम्र कितनी है? 70 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ, कैसे करा, क्या हुआ? वो लड़का गाँव के रहने वाला है और रात को जैसे एक लड़के से उसका झगड़ा हुआ गांव में। झगड़ा होने के पश्चात वो गांव से आया गांव के बाहर, तो मेरी दादी खेत पर रह रही थी, तो खेत से जे उठा ले गया रात को, एक पैकेट साथ में ले गया गांव से करीब 400 मीटर दूर खेत पे। उसने रात को पूरी रात परेशान किया। परेशान करने के बाद जब हमको सूचना मिली गाँव में, गाँव के लोग सौंच को गए 5 बजे के करीब सुबह, तब मुझे पता लगा, तब हम लोग उनको उठा के लाए। किस हालत में पाया आपने अपनी दादी को? दादी को इस हालत में पाया, उनको कपड़े जो थे वो खून से बिल्कुल लथपथ मिले मुझे। और फिर लड़का? ये लड़का गांव में मकान था, अपने घर पर सो गया था। रात को आने के बाद सुबह जब हम इसके घर पर गए तो ये कपड़े धो रहा था, खून से लथपथ इसके भी कपड़े थे लड़के के। पुलिस ने जब पकड़ा, मैंने 112 पर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद 112 आई, उसने फिर एसओ साहब को फ़ोन लगाया, एसओ साहब भी आए। एसओ साहब ने जैसे कस्टडी में लिया उसको, उसके जब कपड़े निकाले उसका भी अंडर वियर खून से लथपथ मिला। तो रात भर उन्होंने दादी के साथ क्या करा? रात के साथ उन दादी के साथ उसने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म सुबह फिर पता कैसे चला? पता गाँव को लोग सौंच को गए, तब मुझे उनको खेत पर मेरी दादी पड़ी मिली। पुलिस को सूचना दी? हाँ, पुलिस को 112 पर सूचना दी। 112 आने के बाद 112 ने एसओ साहब को सूचना दी, एसओ साहब भी आए। अब आपकी दादी की हालत कैसी है? अब मेरी दादी की हालत अभी गंभीर है, कुछ बता नहीं सकते। दादी का ब्लड रुका नहीं? रुका, अभी नहीं रुका। ऑपरेशन किया गया, उनके टाँके 3 लगे हैं। 3 टाँके लगे जी। थाना मिर्जापुर इलाके में एक वृद्धा के साथ रेप का मामला सामने आया, किस तरह से केस दर्ज करते हुए कार्रवाई की? थाना मिर्जापुर के क्षेत्र के ग्राम में एक वृद्ध महिला से यौन व्यवहार के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तुरंत घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, मेडिकल कराया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त भी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 टीवी न्यूज के साथ।